हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको निस्कोमेड के तरफ से आने वाला पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक मैफ निबोलाइजर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताने वाला हूं, और बताऊंगा कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, बॉक्स के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, सारा कुछ आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का रोजाना वीडियो लाते रहता हूं। और अगर आपको ये निस्कोमेड का मैफ निबोलाइजर लेना होगा तो इसका बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में ये दिखाई देता है। बॉक्स का क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरा ये जो बॉक्स है प्लास्टिक का बॉक्स आपको मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छे पैकिंग में आपको देखने को मिल जाता है। इसकी मॉडल नंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है NEM01L, और ये मैफ निबोलाइजर है जो कि एक पोर्टेबल टाइप का मैफ निबोलाइजर है। इसमें आपको कुछ स्पेसिफिकेशन भी मिल जाता है, जैसे कि इजी शटल, म्यूट डिज़ाइन, ऑटो सेटअप और एरोसोल पार्टिकल, ये सारा कुछ इसमें आपको कुछ मिल जाता है फीचर के तौर पे। और इसको आपको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ है, सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिल जाता है। वहीं आगे की बात करें तो आगे में इसका डेट ऑफ इम्पोर्ट, डेट ऑफ मैनुफैक्चर, MRP, आइटम नेम और इम्पोर्ट एंड मार्केटिंग बाई अशोक इंटरप्राइजेज, जो भी है सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कस्टमर केयर नंबर ईमेल कर सकते हैं, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सिंपली ओपन। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा मेन यूनिट जो कि है पोर्टेबल मैफ निबोलाइजर। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन यूनिट जो कि है पोर्टेबल मैफ निबोलाइजर। इसकी लुक काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज तो काफ़ी ज़बरदस्त है ही, और काफ़ी पोर्टेबल साइज़ है, तो आप इसको पॉकेट वगैरह में भी आप रख सकते हैं, और बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी तगड़ा लगा मेरे को। तो चलिए अब इसको रखते हैं हम साइड में। अब हम अंदर में आपको क्या क्या मिल जाता है ये भी देखते हैं। तो अंदर में आप देख सकते हैं आपको मास्क मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मास्क मिल जाता है। इसमें आपको एक एडल्ट का मास्क मिल जाता है और आपको एक जो बेबी होते हैं उनके लिए मास्क मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं आपको दो साइज में मास्क दिया गया है, ये है बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए, और ये है बच्चे के लिए, यानी कि बेबी जो भी छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए। तो इसमें आपको दो ठो आपको मास्क दिया गया है। आपको एक केबल मिल जाता है इसको चार्जिंग करने के लिए और इसको पावर देने के लिए, ये देखिए एक केबल मिल जाता है। और अंदर में आपको यूज़र मैनुअल दिया गया है काफ़ी लंबा चौड़ा, तो अगर आपको ये पढ़ना है इसको कैसे यूज़ करना है सारा कुछ आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर में आपको इतना सारा सामान मिल जाता है। आपको चार्जर नहीं दिया गया है, चार्जर आप कोई भी 2 एम्पियर वाला जो आपके घर में मोबाइल चार्जर होगा आप उसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें आप दोनों तरीका से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको देख सकते हैं इसमें आपको 3.7 वोल्ट का आपको लिथियम बैटरी आपको इनबिल्ट मिल जाता है, जो कि आप चार्ज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको इससे यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक एडल्ट मास्क मिल जाता है और एक बच्चे का मास्क मिल जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें हमको डालना है लिक्विड, और जो इसका लिक्विड का कैपेसिटी है वो 10 ml का है। तो यहाँ पर आपको एक पुश बटन मिलेगा, तो ये पुश बटन को दबा के आपको इसको ऐसे बाहर निकाल देना है। जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे आप देख सकते हैं ये बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ से इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको मेडिसिन डाल देना है। फ़िलहाल मेरे पास मेडिसिन नहीं है, तो मैं इसमें आपको वाटर डाल के आपको एक डेमो पर्पस के लिए आपको एक दिखा रहा हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। इसमें मेडिसिन डालने के बाद आपको इसको लॉक कर देना है, और जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे उसके बाद जैसे ही आपने इसको निकाला था सेम हैज़ इट इज़ आपको वैसे ही इसको वापस लगा देना है और ये पुश बटन को छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें लिक्विड डाल दिया, और लिक्विड आप 10 ml तक ही डालिएगा, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है वो 10 ml का है। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब इसमें बटन को जैसे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें एयर निकलना चालू हो गया, ये देखिए। और इसमें आपको दो मोड मिलता है,
एक मोड में कम एयर निकलेगा और दूसरा मोड में ज़्यादा निकलेगा, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मतलब जो इसका सेकंड मोड है जिसमें ज़्यादा एयर निकलता है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको हल्का फुल्का है तो आप कम एयर आप सेलेक्ट करके इसमें कम जो एयर है वो निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको दो तरीका से आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको दो मोड दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको बंद करके, इसको बंद जैसे आपको करना है तो लॉन्ग प्रेस करना होगा, बंद होगा, और चालू करना है तो लॉन्ग प्रेस करेंगे चालू हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमको एडल्ट वाला मास्क लगाना है तो हम इस पर यहाँ पर इसको ऐसे लगा देते हैं, और लगाने के बाद ये माउस को लगा देना है और यहाँ पर कई बटन को प्रेस कर देंगे आप, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे कुछ वर्क करता है। उसके बाद आपको ये मास्क को आपको ऐसे रिमूव कर देना है, निकाल देना है। अगर एडल्ट है तो ये वाला मास्क लगाना है और बच्चा है तो ये वाला मास्क लगाना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको अगर इसको चार्जिंग करना है तो आपको कैसे करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको डीसी पावर के लिए आपको मिल जाता है, ये देखिए डीसी 5 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना है, और लगाने के बाद कोई भी चार्जर होगा उसमें आपको इसको लगा कर आप इसको चार्ज कर सकते हैं इसका बैटरी को। तो आप इसको चार्जिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको लिथियम बैटरी दिया गया है 3.7 वोल्ट का। अब हम बात करते हैं कि ये जो पोर्टेबल मैफ निबोलाइज़र है निस्को मेड के तरफ से आने वाला, इसको आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने इसको अमेजोन से परचेज़ किया है, आप इसको अमेजोन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, और इसको आप निस्को मेड के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.